इस चैनल पे हम सिर्फ ट्रेलर्स के रिव्यूज करते थे, टीजर के रिव्यूज करते थे और मूवीज के रिव्यूज करते थे, लेकिन आज हम कॉफी विद करण शो का रिव्यू करने वाले हैं जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आए थे और उस शो में क्या फड्डा हो गया है जो इंटरनेट पे इतना बवाल मचा हुआ है। दीपिका और रणवीर को लेके बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, लेकिन असली बात है क्या, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं और ऐसा क्या दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ बुरा किया है। चलो भाई ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। भाई शो की जब शुरुआत हुई तो जैसे कि रणवीर सिंह हर शो में एनर्जी के साथ बैठे होते हैं, जब दीपिका पादुकोण ने ये बात कही तो भाई रणवीर सिंह के तोते उड़ गए। पहले तो रणवीर सिंह ने बताया कि किस तरह से मैंने दीपिका को प्रपोज किया था और जिस तरह से रणवीर सिंह शिद्दत से बता रहे थे, भाई साफ नजर आ रहा था कि रणवीर दीपिका से कितना प्यार करता है। और फिर दीपिका ने अपना पिटारा खोला। रणवीर सिंह ने अपनी कहानी खत्म की कि किस तरह से मैंने दीपिका पादुकोण को प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। फिर दीपिका पादुकोण ने अपनी साइड से स्टोरी बताई। करण जौहर ने उनसे पूछा कि किस तरह से आपका प्यार रणवीर सिंह से हो गया। उन्होंने भाई साफ कह दिया कि मैं एक ही टाइम पे रणवीर सिंह के अलावा 2-3 और बंदों के साथ भी डेट कर रही थी। और जब ये बात दीपिका ने करना शुरू किया तो भाई रणवीर सिंह का लुक देखने लायक था। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to be not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and you know and then and he comes along and so I didn't commit in fact until he proposed to me there was no real commitment as such even if we were technically allowed to maybe see other people we would just keep coming back to each other so I did meet other people but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing and in my mind I was committed to him और जब ये बात दीपिका पादुकोण ने कहना शुरू की तो भाई रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। माँ खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई आई एम रियली सैड फॉर रणवीर सिंह। भाई रणवीर सिंह दीपिका को देखता ही जा रहा है, वो मन ही मन सोच रहा होगा कि ये बातें यहाँ पे करने लायक नहीं हैं। चलो ये बात सही भी है, लेकिन ये बातें यहाँ पे करना जरूरी था। ये बात करने के बाद रणवीर सिंह ने भी बोल दिया कि हाँ मुझे पता था कि कुछ लोग हैं। और दीपिका ने कहा कि कौन से लोग हैं, किन लोगों की बातें कर रहे हो। रणवीर सिंह ने गुस्से में कहा अभी तो तुम कह रही थी कि कुछ लोग थे, अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं। और दीपिका ने उसे कहा कि तुमको पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता। और रणवीर सिंह ने गुस्से में ये कह दिया अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू देम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? भाई रणवीर सिंह चिल बंदा आदमी है, वो कभी भी मीडिया के सामने इस तरह से नजर नहीं आया जो आज नजर आ रहा है। भाई ये बातें थी भी तो पब्लिक के सामने ये बातें दीपिका को नहीं करना चाहिए था। सपोज अगर यही बातें रणवीर सिंह दीपिका के बारे में कहता कि मैं दीपिका के साथ 3-4 और लड़कियों के साथ भी डेट कर रहा था तो भाई रणवीर सिंह को प्लेबॉय करार दिया जाता। लेकिन फेमिनिस्ट गर्ल्स ये बोल रही है कि ये दीपिका की अपनी चॉइस है और भाई दीपिका की जो पीआर टीम है वो इस चीज को ग्लोरीफाई करके पब्लिक के सामने पेश कर रही है। लेकिन भाई मीमर्स रणवीर सिंह को जीने नहीं देंगे। मीमर्स को कंटेंट मिल चुका है और मीमर्स मीम्स बना बना के रणवीर सिंह के जख्मों को कुरेदने वाले हैं। भाई कॉफी विद करण शो में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, लेकिन जो दीपिका ने कहा है ऐसा आज तक नहीं हुआ। भाई दीपिका पादुकोण ने आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब शादी करने के बाद रणवीर सिंह के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारे अलावा 2-3 लड़कों के साथ डेटिंग कर रही थी। और दीपिका ने ये भी कह दिया कि मैं माइंड में कंफर्म कर चुकी थी कि मैं रणवीर सिंह के साथ ही कमिटेड हूँ, तो भाई इन लोगों को यूज करने की क्या जरूरत थी। हाँ अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे किसके साथ शादी करनी है तो अलग बात है, वैसे तो है वो भी गलत लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि मैं इस बंदे के साथ शादी करने वाली हूँ, उसके बावजूद भी किसी और लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहना, हो क्या गया है भाई। और सबको पता है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से कितना प्यार करते हैं और दीपिका पादुकोण भी ये अच्छे से जानती है और अब वो रणवीर सिंह के प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रही है। दीपिका को पता चल चुका है कि रणवीर सिंह मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, तो भाई मुझे जो करना है मैं करूंगी और जो मैंने किया है वो भी मैं खुला बता दूंगी। भाई रणवीर सिंह को शादी से पहले ये पता होगा कि दीपिका पादुकोण के किसके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन ये बातें शादी के बाद पब्लिक के सामने करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब लौंडो ये समझ जाओ कि रणवीर सिंह एक हीरो है, एक हीरो होने के बावजूद भी दीपिका ने उसको सेकंड ऑप्शन रखा,
तो भाई तुम क्या हो, तुमको लड़कियां सेकंड ऑप्शन नहीं रखेंगी? भाई दीपिका जैसे बात कर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि 50% मैंने रणवीर सिंह के लिए प्यार रख दिया था, मैं कमिटेड थी, और उसके अलावा दूसरे लड़कों में मैं 20% 20% 10% अपना प्यार बांट रही थी। अब ऐसी बातें पब्लिक के सामने किसी के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाई वो खुद ही अपने बारे में खुला बोल रहे हैं। भाई रणवीर सिंह के साथ विल स्मिथ वाला काम हो गया है, लेकिन भाई वो अंग्रेज है, रणवीर सिंह पूरा इंडियन है, वो इस चीज को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा।